तो ये हमारे पास हीरो की ग्लैमर बाइक है और इसके ये यानी कि BS4 है और BS4 में जो हमारा सेंटर हब होता है वो अलग होता है, ये कटोरा भी अलग है। इसमें जो क्लच प्लेट लगेगा हमारा वो स्प्लेंडर पर लगा सकते हैं आप या तो ग्लैमर वाली अगर आप जेन्युइन लगाते हैं तो। तो चलिए अभी हम इसका क्लच प्लेट ये सब फिट करेंगे और आपको दिखाएँगे किस तरीके से आपको इस बाइक में क्लच प्लेट इंस्टॉल करना है और इसमें क्लच प्लेट हमें ये देखना है कितना पीस लगता है। तो इसका फाइनली हम जो क्लच प्लेट खोले हैं तो यहाँ पर देखें जो कि जेन्युइन था पहले, ये देखें, और ये इनकी ख़राब हो चुका है क्लच प्लेट जिसका हम क्लच प्लेट अभी रिप्लेस करने वाले हैं और आपको दिखाएंगे किस तरीके से आपको रिप्लेस करना है। देखें क्लच प्लेट कितनी ज़्यादा कट चुका है और इसमें जो सेंटर है गाइज हब है तो ये यानी कि हल्का इसमें स्क्रेच है, ये देखें आप हल्का हल्का, यानी कि ये चेंज करने के लायक है, उतना ज़्यादा भी ये ख़राब नहीं है पर यह ख़राब है हल्का फुल्का। अभी हम फिलहाल इसमें क्या करेंगे, जेन्युइन क्लच प्लेट नहीं डालेंगे। अगर कभी भी आपकी अगर प्रेशर प्लेट ये क्लच हब सेंटर ख़राब होता है तो आप यानी कि उसमें अगर हब सेंटर नहीं डालते हैं तो आप कोई भी ब्रांड का आप क्लच प्लेट डाल सकते हैं, जैसे हम MK का डाल रहे हैं अभी। और अगर हमारी क्लच सेंटर हब अगर हमने नया डालता बिल्कुल हीरो का तब हम क्लच प्लेट भी बिल्कुल नया डालते और बिल्कुल जेन्युइन डालते। तो अभी यानी कि हम सिर्फ MK ब्रांड का हम क्लच प्लेट इसमें डालेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से आपको डालना है। इसमें हालांकि 5 क्लच प्लेट होता है जो कि हमने अचीवर बाइक का इसमें सेट कर रहे हैं। तो चलिए अब हम क्लच प्लेट सेट करते हैं। यहाँ पर अगर सेंटर देखेंगे आप तो ये चीज़ यानी कि हल्का हल्का यानी कि घिस चुका है, ये देखें आप हल्का कट चुका है। तो इसमें फाइनली कस्टमर का कहना है कि उतना पार्ट्स यानी कि हमें अभी नहीं करना है, उतना बजट नहीं है और हमें यानी कि सिर्फ हम क्लच प्लेट को ही चेंज करेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्लच प्लेट को सेट करेंगे। तो एक हमें क्लच प्लेट इस तरीके से डालना है और फिर यहाँ पे प्रेशर प्लेट जो धार वाला हिस्सा होता है इसे हमें ऊपर की ओर इस तरीके से रखना है और फिर एक क्लच प्लेट और फिर एक प्रेशर प्लेट। तो इस तरीके से यानी कि हमको क्लच प्लेट यानी कि सेट करना है, फिर एक क्लच प्लेट, फिर एक प्रेशर प्लेट, ये देखें, और ये चौथा क्लच प्लेट बैठ चुका हमारा। अब यहाँ पे पांचवा क्लच प्लेट आएगा, ये देखें। तो इसमें 5 क्लच प्लेट होता है और एक यहाँ पे बिंदी का निशान होता है और एक यहाँ पे भी आपने देखा होगा बिंदी का निशान, ये देखें, जो कि ये दोनों हमें यहाँ पे इस तरीके से सेम मिला के इसे सेट करना है, यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे अगर आप इसे सेट करते हैं तभी ये इनके बैठता है और अगर ये चीज़ ज़रा सा भी इधर उधर हो जाएगा फिर ये हमारा सेट नहीं होगा। तो आपको गाइज हमने ये चीज़ बताया कि कब यानी कि क्लच प्लेट हमें ओरिजिनल डालना चाहिए और कब यानी कि अदर ब्रांड का डालना चाहिए, सेंटर हब देख के हमें डालना चाहिए। अगर हम इस हालात में अगर हम जेन्युइन क्लच प्लेट डाल देते हैं तो उसके बाद क्या होगा, हमारा जो सेंटर है हब है वो चीज़ यानी कि क्लच प्लेट को बहुत ही जल्दी ख़राब कर देगा। तो इसीलिए जब भी हमें काम करना है सोच समझ के और अच्छी तरीके से देख के। यहाँ पे इस तरीके से एक वाशर डालना है पहले, यहाँ पे इसके अंदर वाशर नहीं होता सिर्फ 2 बूस होता है और यहाँ पे फिर हमें इस तरीके से डालना है। ये हमारा फिट हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे हम एक वाशर और एक नट लगाएंगे। यहाँ पे हमें एक मोटा ऐसा वाशर होता है इसे हमें यहाँ पे सेट करना है और ये छोटा वाला नट इसे लगाना है। लकी बाइक में मेरे ख्याल से लग रहा है कि ये पहली बार इसका क्लच प्लेट ओपन हुआ है। और मैं ये चीज देखा मैं लगा सकता हूं। अब जब आप सब लगा दिया यानी होना चाहिए, फिर जाकर आप देख सकते हैं। और जब आप देखते हैं तो
इस बेरिंग को हमें चेक कर लेना चाहिए। इस बेरिंग के अंदर ज़्यादा पले नहीं होना चाहिए, अगर हल्का पले है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इस बैलेंसर को सेट करना है। इस पिनियन को हमें निकाल लेना पहले ही, अगर हम भूल जाते तो फिर बाद में दिक्कत होता है। एक पतला वाशर यहाँ पे लगेगा, पतला वाशर जिधर यानी कि ऊंचा टाइप का होता है। एक वाशर में आपने ये चीज़ देखा होगा, यहाँ पे एक बिंदी होता है जिसे हमें ऊपर की ओर रखना है। ये देखें रे, हीरो होंडा का कूलर इसमें लगता है। ये देखें, अब यहाँ पे एक हमें कूलर लगा के तभी इसे टाइट करना है। ये वाला कूलर लगा, ये हमारे पास औजार है जो कि ये पकड़ने के लिए, यहाँ पे जो आप सुराख देख रहे हैं इस तरीके से, ये साइड में भी होता है, इसे यहाँ पे लगाना है इस तरीके से। मैं घुसा के फिर आपको यहाँ पे लॉक कर देना है इसे इस तरीके से, यहाँ पे फिर इसे टाइट कर देंगे। ये ओरिंग होता है, ये देखें, इसे यहाँ पे सेट करना है। ये ओरिंग क्या काम करता है कि ये जो क्रैंक के अंदर हमारा ऑयल जाता है वो यानी कि बाहर होने नहीं देता है। अगर ये ओरिंग आपकी कट गई तो इसके ज़रिए से क्रैंक में उस तरीके से ऑयल नहीं जा पाएगा और हमें क्रैंक यानी कि जल्दी ख़राब भी हो सकता है। जिस तरीके से स्प्लेंडर बाइक में यहाँ पे एक ढक्कन होता है और उसमें एक ऑयल सील होता है, उसी तरीके से सेम इसमें भी सिस्टम है। यहाँ पे जो ऑयल हम चेक करते हैं कि हमारे इंजन के अंदर ऑयल है या नहीं है, तो वो यानी कि ये शीशा कभी भी आप खोलते हैं तो इसे क्लीन कर देना है। ये वाला शीशा क्लीन करने के बाद ये साइड से हम आराम से चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए आप कितने ज़्यादा यानी कि ये सुराख यानी कि ये जो शीशा है ये पूरा यानी कि भर चुका है, इससे हम चेक नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली इसे हम साफ़ करते हैं पहले और फिर आपको दिखाते हैं। अब देखिए ये जो शीशा है बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब चलिए इसे हम सेट करते हैं। हम सेट करने के बाद ये जो लीवर होता है इसे इस तरीके से आपको थोड़ा आगे करके ऐसे करके देख लेना है और इसे ठोक के, यह देखें ये हमारा क्या पता चलता है, नीचे जो ठेसी है ये कन्फर्म पता चलता है कि वो चीज़ सही तरीके से बैठ चुका है। अब यहाँ से हम नट लगाते हैं और फिर बताएंगे आपको कि आपको क्लच का एडजस्टिंग किस तरीके से रखना है। सभी नट टाइट करने के बाद यहाँ से हमने जो क्लच होता है हमारा उसका एडजस्टिंग क्या है, एडजस्टिंग आपको किस तरीके से करना है, तो वो एडजस्टिंग हमें ऊपर से देखना होगा। यहाँ से ये चीज़ हमारा आधा इंची इस तरीके से फॉल्स होना चाहिए, ये देखे इस तरीके से। तब उसके बाद यहाँ से मान लीजिए कि हमारा लीवर यहाँ है, अब यहाँ तक हमारा फॉल्स जा रहा है, अब यहाँ से ये टाइट लग रहा है। तो इस तरीके से आप क्लच का अगर हमेशा यूज करते हैं और रखते हैं इसका सेटिंग, तो हमारी क्लच प्लेट जल्दी ख़राब नहीं होता है और कुछ भी यानी कि दिक्कत नहीं होता है। और इसी के साथ साथ जो क्लच वायर होता है इसकी हमें चेक करना चाहिए, कहीं से भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए, या तो हमारा क्लच ज़्यादा हार्ड अगर लगता है तो उसके लिए भी हमें ये क्लच वायर को चेंज करना होता है। तो इतना काम करें। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही जानकारी देना था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और जाते जाते हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।